अवैध कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए शहडोल पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है। पशु तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करने वाले जिले के गोहपारू पुलिस पर पशु तस्करों ने जानलेवा हमला किया, तो वहीं देवलोद पुलिस ने पशु तस्करी करते हुए दो ट्रक पकड़कर 55 मवेशियों को मुक्त कराकर दो के खिलाफ कार्यवाही करते हुए हिरासत में लिया है। दरअसल जिले की गोहपारू पुलिस को मुखबिर सूचना मिली थी कि जिले का प्रमुख गौ तस्कर आशु खान अपने साथियों कल्लू खान व समीर खान के साथ सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी से पशु तस्करी कराने के लिए पशुओं से भरे ट्रक को पार्क कराने के लिए उसकी पायलटिंग करने वाला है। प्राप्त सूचना पर गोहपारू पुलिस को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित करने पर फॉरेस्ट बैरियर के तस्करों की सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार को पुलिस द्वारा रोका गया। पुलिस द्वारा वाहन की चेकिंग करने पर उसमें आशु खान निवासी कोतमा, समीर खान निवासी ब्योहारी व कल्लू बाबा निवासी ब्योहारी बैठे पाए गए। पुलिस द्वारा इन व्यक्तियों से पूछताछ एवं तलाशी हेतु गाड़ी से उतरने को कहा, पर वे पुलिस को अपशब्द कहते हुए गाड़ी पुलिस कर्मियों के ऊपर चढ़ा देने एवं जान से खत्म कर देने की बात कहने लगे। कहते हुए समीर खान वाहन को जोर से रेस देकर जान से मारने की नीयत से पुलिस की ओर गाड़ी बढ़ाने लगा, तब उपस्थित पुलिसकर्मियों ने दूर कूद कर अपनी जान बचाई। प्रकरण में संदिग्ध गौ तस्करों के द्वारा तस्करी की पायलटिंग में उपयोग लाए जा रहे वाहन स्कॉर्पियो को जब्त किया गया एवं आरोपियों की बड़े जोरों शोरों से तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर ₹5,000 का इनाम घोषित किया गया है। को लेके भी लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आज ही दो ट्रक देवलोंद में पकड़े गए हैं जिनमें 70 के करीब बछड़े मवेशी थे, और एक अपराध पशु तस्करों को पायलट करने वाली एक गाड़ी जिसने पुलिस के रोकने पे पुलिस के कर्मचारी को कुचलने का प्रयास किया था, उसके विरुद्ध धारा 307 का पंजीबद्ध किया गया है और तस्करों के विरुद्ध ₹5,000 का रिवार्ड घोषित किया गया है।